देश की आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में रीवा जिले में हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जिले में आन बान शान से तिरंगा लहराया गया। मुख्य समारोह SF पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली। समारोह में मुख्य अतिथि ने मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता संदेश का वाचन किया। समारोह में सशस्त्र बल ने हर्ष फायर करके राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया। समारोह में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल एवं सैनिक स्कूल के दल के सहित 11 दलों ने बैंड की मधुर धुन पर आकर्षक परेड की। समारोह में इसके बाद मुख्य अतिथि ने 3 रंग के मनोहरी गुब्बारों को हर्ष स्वरूप मुक्त गगन में छोड़ा। समारोह में कलेक्टर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों के परिजनों तथा लोकतंत्र के प्रहरियों को शाल एवं श्रीफल भेंट करके सम्मान किया। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत तथा शासन की विकास योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले गीतों और नृत्यों के साथ मनोहरी संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य समारोह के साथ साथ सभी विकास खंड मुख्यालयों, नगरी निकायों, ग्राम पंचायतों, शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों एवं कार्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बाल भारती विद्यालय ने देशभक्ति के गीत तथा मनोहरी नृत्य के साथ विकास योजनाओं को प्रदर्शित किया। सेंट्रल एकेडमी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में वीरों को नमन करते हुए महालोक निर्माण तथा सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडन टोला ने लहराया तिरंगा तथा सुरक्षा पब्लिक स्कूल लक्ष्मणपुर ने वंदे मातरम तथा खुशहाल हो भारत गीत के साथ लाडली बहन योजना को प्रदर्शित किया। शासकीय कन्या उमावी SK स्कूल ने लहराओ तिरंगा पूरी शान से गीत के साथ महिला सशक्तिकरण को प्रस्तुत किया। समारोह में ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा बाल भारती स्कूल ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह का समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में आयोजित शस्त्र परेड में SF नेवी बटालियन को प्रथम स्थान, जिला पुलिस बल को दूसरा स्थान तथा केंद्रीय जेल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बिना शस्त्र के परेड में NCC गर्ल्स TRS कॉलेज को प्रथम स्थान, NCC कन्या महाविद्यालय को दूसरा तथा NCC TRS कॉलेज छात्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सैनिक स्कूल द्वारा प्रस्तुत परेड में जल सैनिकों को प्रथम, थल सैनिकों को द्वितीय तथा वायु सैनिकों को तीसरा स्थान मिला। शिक्षा विभाग की ओर से शामिल दलों में स्काउट गाइड दल को प्रथम तथा रेड क्रॉस कन्या को द्वितीय तथा शौर्य दल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेंट्रल एकेडमी को प्रथम, SK कन्या स्कूल को दूसरा तथा बाल भारती स्कूल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर धरती प्राइमरी स्कूल धरती फाउंडेशन मथुरा की ओर से देशवासियों को और मथुरा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, क्षेत्रवासियों, मेरे सभी नई गढ़ी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आजादी के महान पर्व स्वतंत्रता दिवस की समस्त प्रदेश वासियों को, रीवा वासियों को, नवगठित जिला मऊगंज वासियों को और नई गढ़ी जनपद की देवतुल्य जनता को आजादी के महान पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। आशा और विश्वास है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांति वीरों ने, क्रांतिकारियों ने जिस आजादी के मूल मंत्र के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो आजादी और वो गांव के ग्राम विकास के, ग्राम स्वराज का जो गांधी जी का सपना था, साकार होगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हस्त क्रांति।